गुरुर् साक्षात् ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग ऋषि युग ऋषि युग प्रवर्तक, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए एक अनोखा सपना देखे हुए, शहीदों के शहादत के संवाहक सरदेव स्वामी जी के श्री चरणों में मेरे सम्मुख बैठे हुए युवा भाई बहन, सभी भाई बहनों की ओर से मैं इस प्रातःकाल की शुभ बेला में सरदेव स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सरदेव स्वामी जी महाराज जी को मंच पर देखते हैं, ऊंची पदवी पर देखते हैं और हम उनके सामने बैठकर अपने भौतिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो हम यह पाते हैं कि यह क्या अंतर है हम में और स्वामी जी महाराज में। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने तो सभी जीवों को, जो मनुष्य जाति है, सबको समान शक्तियां प्रदान की हैं। दो आंखें, दो कान सुनने के लिए दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, ज्ञान इंद्रियां दी हैं। एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने विवेक बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने जो जीवन में उसने जो कुछ पाया, उस तप के द्वारा, अपने वात्सल्य के द्वारा ऐसा अनोखी छाप छोड़ता है, ऐसा चमत्कार करता है, पूरा जमाना उसके पीछे हो जाता है, संसार उसके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे रूप में हम सरदेव स्वामी जी महाराज जी को आज देखते हैं। प्रकृति के नजदीक ऋषि होते हैं। जितनी भी प्रकृति हमें सामने दिखती है, पेड़ पौधे देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, अंतरिक्ष दिखता है, नदी दिखती है, समुद्र दिखता है, इन चीजों से जो संदेह वाहक के रूप में जो कार्य करता है संसार में, वो ऋषि होते हैं, वो श्रद्धेय होते हैं, वो योगी जन होते हैं। एक गेहूं का पौधा जब पक के तैयार होता है तो उसकी सेवा का भाव देखिए, जमीन से नीचे वाला भाग वह मिट्टी को भूदान कर देता है और भूतल से बाली तक का जो भाग होता है वह पशु पक्षियों को दे देता है, और जो बाली पक के तैयार हो जाती है उसका हम आटा बनाकर, रोटी बनाकर, जो रोटी माँ बनाती है तो पहली रोटी बुजुर्गों को और बच्चों को प्रदान करती है और दूसरा हमें देती है, और अंतिम जो रोटी है वह श्वान को दे देती है, कुत्ते को दे देती है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है सेवा का, तपस्या का। आज क्योंकि वेदों का उद्घोष है, जो प्रकृति है, जो भगवान की श्रेष्ठ रचना है इस धरती में, उसके जो सबसे नज़दीक है वह मनुष्य जाति है। प्रकृति का संदेह लेकर आज हमारे बीच सरदेव स्वामी जी महाराज हमारे ऋषियों के कार्य को, पूर्वजों को कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का इस सत्र को शुरू करें उससे पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने कर्मठ कार्यकर्ता अनीश कुमार जी, पंजाब से राज्य प्रभारी हैं, आए दीप प्रज्वलन करें। कीर्ति राणा जी सोनीपत हरियाणा से दीप प्रज्वलन करेंगी। आप सभी कट्टल तालियों के गुनगुनाहट के साथ सभी का स्वागत करेंगे। श्रीमती सुदेश जी हमारे लाइव मेंबर बन रही हैं, आशीर्वाद लेंगी। अरविंद कुमार जी उत्तर प्रदेश से लाइव मेंबर बन रहे हैं। योगिता जमदग्नि जी दिल्ली से दान दाता हैं, 21,000 आज इन्होंने दान दिया है, और अन्य भाई आशीर्वाद के ले जाएंगे। अमित कुमार जी उत्तर बिहार से सोशल मीडिया का कार्य देख रहे हैं। गोपी जी सिक्किम से राज्य प्रभारी, गौतम कुमार जी बीकानेर से आशीर्वाद लेंगे।
रमेश जी मुंबई से, अनुज जी मुंबई से कार्यालय की सेवा देखते हैं, दीपक शर्मा जी बीकानेर से, सरदेव स्वामी जी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, प्रमोद बलोच जी झुंझुनू राजस्थान से सरदेव स्वामी जी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, अभिषेक जी सीकर से, राजीव कुमार जी सरदेव स्वामी जी महाराज जी के से आशीर्वाद लेते हुए, सुमित कुमार जी, कीर्ति शर्मा जी, सरेखा प्रजापति जी, सुरेश जी, सरदेव स्वामी जी महाराज जी से सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता युवा भाई बहन आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद के इस क्रम को समाप्त करते हुए आगे मैं मंच समर्पित करता हूँ सरदेव स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में। ओम। आशीर्वाद भाई पुष्कर जी को, जो इस सेवा में